गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आ गया हूँ सुबह सुबह आज ड्यूटी में, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है, करना पड़ेगा, रोजी रोटी यही से चलता है भाई। तो आज आया हूँ मैं आपसे बात करने के लिए, और थोड़ा बहुत यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे काम है ऑफिस में, तो पैदल में जा रहा हूँ, तो सोचा कि आप लोग से थोड़ा व्यू दिखाऊँ। तो देखने के लिए बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर। जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि छोटा भाई समझ के ही थोड़ा, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए उसके लिए। चलिए तब चलते हैं अपना व्यू और लोकेशन देखने के लिए। आप लोग रेडी है तो चलिए। तो देख सकते हैं ये है रोड मेन, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ बगल में है ये बड़ा बिल्डिंग जहाँ है कोल शेड, इसको बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारा कोयले भी रहता है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ जो जमुड़िया में है प्लांट गिरधन मेटल प्राइवेट लिमिटेड, ये है इसका रोड। ये आगे मैं सीधा जाऊँगा इसी रोड से। तो धीरे धीरे चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आप लोग जो नया वीडियो में हैं वो लोग देखिए कंटिन्यू, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये रहे रोड, देखिए गाड़ी आ रहा जा रहा है। ये है कोल शेड, इसके अंदर देखिए ये जो दिख रहा है ये कोयला है, पूरा कोयला का डस्ट है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए अब जो जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ये दूसरा है, दो ठो गला है, एक दो नंबर गला, इसमें भी कोयले ही है। ये कन्वेयर जैसे दिख रहा है कन्वेयर, आगे सीधा रोड है। लोकेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बताइए कमेंट करके। ये जो बिल्डिंग दिखा रहा है ये आयरन शेड है, इसमें पूरा स्पंज आयरन रखा हुआ है। ये देखिए इधर से ये पूरा DRI है। यहाँ देखिए पेड़ से पूरा सजा कर रखा है, अच्छा लग रहा है व्यू देखने में भी। ये पूरा पेड़ से एक ही लाइन से सजाया है। ये DRI जितना प्रोजेक्ट है सब लोग किए हैं, ये पूरा DRI का प्रोजेक्ट रनिंग है, देख सकते हैं। ये ऊपर पूरा कन्वेयर किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, रास्ता तो बहुत सारा है लेकिन जिस रास्ते से मैं जाऊंगा उसी के जस्ट व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा घूमने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी जा रहा हूं मैं सीधा ऑफिस तरफ ही, तो चलिए चलते हैं। ये DRI का ये देखिए, यहाँ देखिए रोड, सीधा एक रोड जो दिख रहा है आपको वो रोड से मैं वापस आऊँगा। और ये जो दाएं तरफ दिख रहा है ये गाड़ी जा रहा है, उसी इधर से मैं जाऊंगा अभी फिलहाल। ये सीधा रोड, ये मैं दाएं मुड़ जाऊंगा DRI के अंदर अंदर। ये देखिए कन्वेयर, ये देखिए कुछ पेड़ लगा हुआ है सजाने के लिए पॉल्यूशन के लिए। ये सीधा जाऊंगा अभी, ये डेबिन है, डेबिन के आसपास जगह देखिए, पीछे का देखिए काफी अच्छा दिख रहा है ना दोस्त। तो चलिए सीधा चलते हैं। ये देखिए रोड, पक्का रोड है, बना दिया है, क्योंकि रनिंग हो चुका है इसलिए पक्का रोड बना दिया है। ये देखिए पानी वानी थोड़ा सा मारा हुआ है, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ DRI, अच्छे से सजा के लिखा है। थोड़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए DRI, जो जो डिपार्टमेंट के जहाँ है सब जगह में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो एक जा रहा है सीधा रोड, वो रोड से मैं नहीं जाऊँगा, बाएं मुड़ जाऊँगा, क्योंकि काम मेरा इधर ही है, उधर DRI के अंदर तरफ जा रहा है। तो चलते हैं बाएं मुड़ जाते हैं। ये पूरा DRI देख रहे हैं दोस्त,
देखिए अच्छा लगेगा आपको जो जो ये सब प्लांट के अंदर ड्यूटी करते हैं, इसके बारे में जानना इंटरेस्ट है, वो सब देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसा होता है लोकेशन। ये देखिए ये स्टोर है, कंपनी का मेन स्टोर है। ये यूटी क्रेन है, यहाँ रखा हुआ है, पीला कलर का जो दिख रहा है। अच्छा लगे तो गाइस लाइक कीजिएगा ज़रूर, और सब लोग मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ गलती हो रहा है तभी बोलिए, कुछ मिस्टेक हो रहा है तभी बोलिए, क्योंकि मैं नया हूँ इस लाइन में, तो कोशिश कर रहा हूँ अपना तरफ से कुछ सही करूँ। अगर गलत हो जाए तो आप लोग बताइएगा, तभी मैं सही कर पाऊँगा। तो देखिए ये है जो दिखाया था आपको वीडियो में, ये पावर प्लांट का जगह है, ये पावर प्लांट का रोड है। ये नया प्रोजेक्ट जो चालू हुआ अगले वीडियो में बताया था, वही प्रोजेक्ट है। उधर से ही मैं जा रहा हूँ। ये देखिए ये रनिंग है पावर प्लांट, पूरा ये सब बिल्डिंग सजा हुआ है। दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतना तो कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत लाइक तो कर दीजिए, और इतना इसी रिलेटिव से वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए ये पावर प्लांट, इधर से भी रास्ता है अंदर जाने का। ये वाटर टैंक, दो ठो वाटर टैंक पानी का है। ये देखिए बड़ा बड़ा, इसको डीएम प्लांट बोलते हैं। आज जो नया प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है उसका कुछ इक्विपमेंट का सामान यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए चिमनी, ये डीएम प्लांट। यहाँ से सीधा एक रोड निकला है गाड़ी, बड़ा बड़ा गाड़ी आने जाने के लिए। ये देखिए सीधा रोड, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है व्यू। देखिए ये सबसे बड़ा ऊपर बिल्डिंग है स्ट्रक्चर का। ये देखिए रोड, इधर से सीधा मैं जाऊंगा ऑफिस तरफ। काफ़ी अच्छा मतलब रोड को सजा कर रखा है, पूरा चारों तरफ पेड़ पेड़, बीच में रोड, एकदम हाईवे जैसा दिख रहा है। चलिए चलिए आगे, देखने का बहुत कुछ है। देखिए मज़ा लीजिए, कुछ जानना है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, कुछ और भी देखना है तो वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, व्यू देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे व्यू दिखाऊँ कुछ जानकारी नहीं दे रहा हूँ उसमें। ये पावर प्लांट का साइड से व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमको पेड़ बड़ा अच्छा लगता है, इस तरह से कंपनी सजा कर रखा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये देखिए रोड, तो कैमरा नीचे हो गया है। देखिए मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ, पूरा प्लांट को घूमने के लिए करीबन आधा घंटा मतलब लग जाएगा पैदल घूमते घूमते, आपको दिखाते दिखाते। तो पूरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ये आ गया रोलिंग मिल SMS, ये सामने वाला है SMS, वो फैरो है जहाँ दिख रहा है वो बिल्डिंग। ये है SMS जहाँ तीन चार गो भट्टी है, जहाँ कोई मतलब लोहा गलता है यहाँ। ये दोनों एक ही साथ है, SMS और रोलिंग जॉइंट है। दो तीन गला इसमें है, दो गला तीन गला उसमें है रोलिंग मिल में। तो चलिए आगे देखा जाए, सीधा जो दिख रहेगा सीधा ही ऑफिस है, जो बिल्डिंग दिख रहा है सीधा में। ये SMS का लास्ट गला है। ये देखिए JCB खड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा ट्रेलर खड़ा हुआ है। ये आ गया रोलिंग मिल, ये पूरा रोलिंग मिल है। और ये बड़े बड़े साहब लोग का गाड़ी खड़ा हुआ है। ये ऑफिस दिख रहा है आपको सीधा में, बिल्डिंग जो दिख रहा है वो ऑफिस है हम लोग का, मेन ऑफिस। देख सकते हैं गाड़ी लगा हुआ है, सब साहब लोग आए हुए हैं। चलिए चलिए ये आ गया ऑफिस। ऑफिस में थोड़ा छोटा मोटा काम है बस, अंदर जाऊंगा 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। आइए देखिए गाड़ी खड़ा हुआ है,
ये ऑफिस है, देख सकते हैं अंदर से बड़ा अच्छा मतलब दिखता है, बाहर से थोड़ा कम क्योंकि अंदर ज़्यादा सजा के। चलिए ऑफिस के अंदर आ गया हूँ, देख लीजिए काम हो जाएगा, उसके बाद फिर आ गया मैं फिर बाहर, अब्रौली मिल के बाहर बाहर साइड साइड से जाऊँगा तो साइड का भी व्यू दिखाऊँगा। आगे एक मंदिर भी है, वो मंदिर भी आपको दिखाऊँगा। ये है बैक फिल्टर रोलिंग मिल का, ये यूटी क्रेन है, ये भी रोलिंग मिल का ही है, लगने वाला है। तो चलिए धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन पूरा दोस्तों वीडियो को देखिए, अच्छा लगेगा आपको। जो सब इस लाइन में अगर जानना चाहते हैं, काम किए हैं आगे भी, तो वो लोग ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये थोड़ा मैं अपने आप को भी दिखा रहा हूँ, पीछे का देखिए, धूप भी थोड़ा है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोलिंग मिल का पीछे का साइड है, यहाँ एक बिल्डिंग तैयार हो रहा है सिक्योरिटी के लिए। ये रोलिंग मिल का शेड है पूरा, देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक कांटा भी है क्योंकि ट्रेलर यहीं से आता है, यहाँ TMT लोड होके कांटा होता है, खाली गाड़ी कांटा होता है, इसलिए सामने रखा है गाड़ी और अंदर में पूरा गाड़ी लोड होता है। ये सब गाड़ी देख रहे हैं जो आपको, ये सब गाड़ी लोड है। ये बाहर का साइड रोलिंग मिल का। चलिए आगे, यहाँ कुछ लोग आदमी काम कर रहे हैं। तो जैसा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो बताइएगा, आज मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा व्यू हमारा, मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ छोटा मोटा, वहाँ का प्लांट का व्यू दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। तो देखिए वहाँ से इधर आ गया, अब जाऊँगा सीधा, बहुत बड़ा सेट है। आप लोग अगर देखे नहीं तो देख सकते हैं, ये पूरा लंबा जितना है, 2-3 गला एसी में है, पूरा लंबा लंबा बनाया। ये सामने है मंदिर जो अभी जस्ट 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ है, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन नया मंदिर भी उद्घाटन हुआ है। ये देख सकते हैं जुड़ करके जगह दिखा रहा हूँ, देखिए अच्छा लगा है, मतलब छोटा मोटा किया है लेकिन अच्छा काम किया है। अंदर से दिखाऊंगा जब कभी मिलेगा टाइम तो दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जाऊंगा नहीं, बस बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये ऐसे ही सजा के रखा है। ये है रास्ता, यहीं से ऊपर जाके मंदिर जा सकते हैं। देखिए थोड़ा सामने से, बाहर बाहर पूरा शीशा लगाया हुआ है अंदर जाने के लिए, सब कुछ है। मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोग को कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए फूल घास कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा ही रिलेटिव अगर वीडियो आपको देखना है मेरे साथ तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कंटिन्यू आपको दिखेगा वीडियो, चाहे प्लान का हो चाहे कहीं और मैं जाऊँगा घूमने के लिए, तो वहाँ का मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर उसी का। क्योंकि इस यूट्यूब में मैं फर्स्ट टाइम, मतलब अभी बस जस्ट चालू किया हूँ, इतना हमको नॉलेज नहीं है इस सोशल मीडिया का लाइन में, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो शायद कुछ अच्छा मतलब समझ में आएगा कि कैसा क्या होता है कैसा नहीं। ये देखिए सामने ये बड़ा बड़ा गेट है रोलिंग मिल का, ये मंदिर, ये देखिए पूरा बिल्डिंग, ये है रोलिंग मिल, ये अंदर से देख सकते हैं। इसका वीडियो में भी बनाया था एक तो ऊपर चढ़ के, तो जो लोग देखे नहीं हो वो लोग देख सकते हैं। ये दो वाला पूरा लंबा है आगे तक, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया रोलिंग मिल ख़त्म, अब ये फैलो का प्रोजेक्ट जो मैं दिखाया था वीडियो में, वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो SMS है, वो थोड़ा उधर से छोटा है। ये मेहर रोड जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले बनाया है, पूरा पक्का रोड बना दिया है।
इसलिए मतलब आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। पहले रोड इतना ख़राब था, बारिश होता था तो पूरा कचरा हो जाता था, आदमी ना गाड़ी लेकर जा सकता था ना पैदल जा सकता था। तो कंपनी इसीलिए सुविधा के लिए अच्छा रोड, पक्का रोड बना दिया ढलाई करके, ये सुविधा रहे गाड़ी जाने जाने का, क्योंकि यही रोड सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये देखिए प्रोजेक्ट, उधर रास्ते से मैं आया, अभी इसी रास्ते में सीधा जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इधर का अभी थोड़ा काम रुका हुआ है, जब स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ का लोकेशन, ये है कैंटीन, शायद मैं पहले भी बता रहा हूँ, दिखाया हूँ, आज भी दिखा रहा हूँ। ये है कैंटीन सामने ही, देख सकते हैं छोटा सा है कैंटीन, अच्छा है। ये देखिए स्ट्रक्चर खराब हुआ, इसका काम रुका हुआ है अभी, DRI क्या है। यहाँ भी देखिए कुछ पेड़ पौधों से सजाया है, जितना पेड़ पौधों से सजे प्लान में दिखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, जब पेड़ बड़ा हो जाएंगे तो और भी दिखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए ये है वर्कशॉप DRI का, ये कन्वेयर जा रहा है, बेल्ट जा रहा है, इसमें कोयला जाता है। ये है DRI प्रोजेक्ट, फिर वापस आ गया DRI प्रोजेक्ट, जो वहाँ से मैं गया था अंदर, फिर बाहर बाहर मैं वापस आ गया। ये देख सकते हैं वहाँ भी सजा के रखा है, पूरा चारों तरफ घेर के रखा है पौधों से, बढ़िया लग रहा है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मैं शुरू किया था, मतलब यहीं से दाएं मुड़ गया था, जो अब मैं सीधा वापस इसी रोड में आ गया। तो और भी सारे बहुत सारे रोड हैं जो मैं अभी यही रोड से मैं गया था, DRI करने से अब यही रोड से आया वापस सीधा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, जितना भी हो सके मैं आपको दिखाया। देखिए प्लान के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, अगर नहीं रहते हैं तो वही रास्ते से वापस जा रहा हूँ, यही वो पेड़ पौधे हैं। समुद्र का पास है कैमुडिया में, क्योंकि इधर प्राइवेट लिमिटेड सुपर का बगल में ही है, सुपर का ही कंपनी है, सुपर ये ज़मीन खरीद के ये प्लान तैयार किया नया, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा लगा तो बताइएगा, मेरे चैनल के ज़रूर लाइक एंड शेयर, जो जो नए हैं देख रहे हैं और भी देखना चाहते हैं मुझे तो सब्सक्राइब ज़रूर। मेरा दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, फिर हम ठीक से नहीं हो पाएगा, या फिर ठीक से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो कमेंट कीजिए, बताइए, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, तभी मैं कंटिन्यू कर भी पाऊँगा। मैं वापस वो इसी जगह में आ गया हूँ जहाँ से मैं शुरू किया था, तो देखिए सपोर्ट कीजिए, आप लोग से वही बोलना चाहता हूँ, सपोर्ट कीजिए। हाई हेलो कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नया नया पौधा लगा है, ये भी अच्छे लग रहे हैं, चारों तरफ से सजाया है। दोस्तों जो वही बात बोलना चाहता हूँ, सो गाइस आपको मतलब कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और भी कुछ आपको देखना है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर, और अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरा ब्लॉग चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, फिर आता हूँ मैं नेक्स्ट एक ब्लॉग लेके, तब तक बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच, टाटा भाई, फिर मिलते हैं। अभी मेरा ड्यूटी ख़त्म होने वाला है तो इसलिए यहीं ख़त्म करता हूँ, बाय।